हाँ तो देखो आप, इन पी एंड बीन्स द फ्लावर देर आर फाइव पेटल्स, द लार्जेस्ट दैट इज स्टैंडर्ड ओवरलैप्स द टू लैटरल पेटल्स, ओवरलैप्स द टू लैटरल पेटल। आप देख सकते हो लैटरल वालों को ओवरलैप कर रखा है स्टैंडर्ड ने, उनको बोलते हैं विंग्स, विच इन टर्न ओवरलैप द टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स। एंटीरियर मीन्स आगे होता है, एंटीरियर मीन्स आगे, पोस्टीरियर मीन्स पीछे होता है, हमेशा ध्यान रखना है, एंटीरियर मीन्स आगे, पोस्टीरियर मीन्स पीछे। तो सबसे आगे तो आपको देख सकते हो, सबसे आगे वही है, ठीक है। टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, ब्रैकेट में लिखा है कील, ठीक है। मैंने इन सब के आपको दूसरे नाम बताया, ठीक है। स्टैंडर्ड का दूसरा नाम है वेक्सिलम, मैं बताता हूँ स्पेलिंग। स्टैंडर्ड इज नोन एज वेक्सिलम, ठीक है। विंग्स इज नोन एज एले, एंड लास्ट वन इज कील और कैरिना, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वैक्सिलरी और पेपिलिनिशियस, और पेपिलिनिशियस। समझ में आ गया इतना तो? वेलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, एंड वैक्सिलरी और पेपिलिनिशियस। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर है तो वो लास्ट वाला है, कि उसके अंदर और नाम के अंदर नाम है ना, स्टैंडर्ड नाम है, फिर विंग्स नाम है, फिर कील नाम है, तो नाम के अंदर नाम है, इसलिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट एज इन सब इंपॉर्टेंट है। क्लियर है आपको ये सब? एनीवन, कोई डाउट है तो बताओ। हाँ किसी को कोई डाउट? ओके चलो, इतना समझ में आ गया। ये डायग्राम एज इट इज एग्जाम में आता है, नीट में कितनी बार इसे डायरेक्ट डायरेक्ट डायग्राम आते हैं सीधा। हाँ कुछ पूछना है आपको? किसका हैंड रेज हैंड दिखा रहा था? पूजन, आपका कुछ पूछना है आपको? ओके ठीक है, तो ये हो गया हमारा एस्टिवेशन। नेक्स्ट, आगे अगला पढ़ना है हमें एंड्रोशियम। देखो एंड्रोशियम, इसमें भी कुछ नए नए वर्ड्स आने वाले आपके सामने। ओके एंड्रोशियम इज कंपोज ऑफ स्टेमेंस, सबको पता है। एंड्रोशियम का जो इंडिविजुअल पार्ट है दैट इज नोन एज स्टेमेंस, हमें पता ही है, पहले ही बता चुका हूँ। ईच स्टेमेन, अब ईच स्टेमेन विच रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉल्क और अ फिलामेंट एंड एन एंथर, एंड एन एंथर। ध्यान से देखना, मैं बताता हूँ अभी आपको पूरे स्टेमेन के बारे में, पहले पूरा पढ़ा देता हूँ। देखो समझो, ये एक स्टेमेन है, ध्यान देना यहाँ पर पूरा, तो समझ में आ जाएगा और ट्वेल्थ में भी काम आने वाला है अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो। पर रॉयल कॉलेज में आप जा रहे हो ना नंदिनी, रॉयल कॉलेज में देखना, और डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। रॉयल कॉलेज में बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला है, बुक फॉलो ही नहीं करते वो लोग, वो लोग इतना डिटेल में खींचेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, बुक को फॉलो ही नहीं करते वो लोग। चलो ठीक है, ओके आप देखो इसमें कौन से पार्ट है। ये वाला सबसे पहला दिख रहा है आपको, ये जो स्टॉल्क है, स्टॉक, इसको हम स्टॉक या फिर फिलामेंट बोलते हैं, स्टॉक और फिलामेंट, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, दिस इज नोन एज एंथर, दिस इज नोन एज एंथर, ठीक है। इसके अलावा एक और हिस्सा होता है जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट आप ध्यान में रखना। देखो कहीं ना कहीं जाके ये स्टॉल जो है, कहीं ना कहीं जाके ये स्टॉल एंथर को अटैच होगा, तो वो पॉइंट जहां पर फिलामेंट एंथर को अटैच करने वाला है, वो पॉइंट जहां पर फिलामेंट खत्म होके, या फिर फिलामेंट जहां पर खत्म हो रहा है और एंथर जहां स्टार्ट हो रहा है, वो पॉइंट दैट इज नोन एज कनेक्टिव, दैट इज नोन एज कनेक्टिव, दैट इज नोन एज कनेक्टिव, ठीक है। तो तीन हिस्से होते हैं, हालांकि आप दो ही याद रखो तो भी सही है, दो ही याद रखो बेटर है, क्या? एक एंथर, दूसरा स्टॉक और फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है। ये हो गया स्टेमेन के बारे में, इतना ही नहीं है। अब देखो, आप देखो ये स्टेमन आपको दिख रहा है कैसा है, कितने इसके अंदर लोब है, दो दो दिख रहे हैं आपको, एक ये और ये दो, दोनों जानबूझ के मैंने दो ऐसे बनाए, तो इसको बोलते हैं बाइलोब्ड। कैसा है ये? बाइलोब्ड, ठीक है। दिस इज नोन एज बाइलोब, क्योंकि दो लोब्स है, एक ये और ये एक दूसरा ये, देयरफॉर इट इज बाइलोब। अब उसमें भी क्या होता है, अगर इसको यहां से अगर आप कट करोगे, समझो यहां से आपने कट किया इसको और आपने ऊपर से देखा, तो ऊपर से देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, ऐसा देखो, एकदम डिटेल में नहीं बता रहा हूँ,
क्योंकि आगे आने वाला 12th में ही सब, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, ऐसा दिखेगा क्योंकि दो लोब्स है। अब होता है क्या, इस दो लोब में भी एक लोब के अंदर दो दो चेंबर है, ये एक पहला चेंबर, ये दूसरा चेंबर, ये पहला चेंबर, ये दूसरा चेंबर, ठीक है। और ये जो चेंबर है इनको बोलते हैं पोलन सैक, पोलन सैक, ठीक है। इन पोलन सैक के अंदर छोटे 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 क्या होते हैं, पोलन, इनके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, इनके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए एंथर है, एंथर कैसा होता है, बाइलोब होता है। एक लोब में कितने चेंबर होता है, दो चेंबर होते हैं, उन्हीं चेंबर को हम दो नाम से बोलते हैं, उनको आप पोलन चेंबर भी बोल सकते हो और उन्हीं को आप क्या बोल सकते हो, पोलन सैक, पोलन सैक। और उन पोलन सैक के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, इतना समझ में आया, ओके। उसके बाद आपको एक और नया वर्ड याद रखना पड़ेगा, और वर्ड ये है कि अगर समझो स्टेमेन तो है, स्टेमेन तो है, बट अगर उसके अंदर पोलन ग्रेन नहीं बन रहे, स्टेमेन तो है बट पोलन ग्रेन नहीं बन रहे, सोचो ऐसा प्लांट, ऐसा फ्लावर कोई काम का नहीं, मतलब उसके अंदर रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, वो तो स्टराइल है, फर्टाइल नहीं है, दैट इज स्टराइल, है ना, क्योंकि रिप्रोडक्शन कैसे कर सकता है, पोलन ग्रेन ही नहीं आ रहे तो फिर रिप्रोडक्शन तो नहीं कर पाएगा। तो ऐसा स्टेमन, ऐसा स्टेमन, ये बहुत बार नीट में आया हुआ है, ऐसा स्टेमन जिसके अंदर पोलन ग्रेन नहीं होते, दैट इज नोन एज स्टेमिनोड, दैट इज नोन एज स्टेमिनोड, ठीक है। मैंने सारे वर्ड्स बता दिए, अब एक एक करके हम पढ़ते हैं उनको, देखो पढ़ते हैं। एंड्रोशियम इज कंपोज ऑफ स्टेमन्स, ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट्स द मेल, each stamen which represents the male reproductive organ consists of a stalk or a filament, aap stalk bhi bol sakte ho aur filament bhi bol sakte ho, and an anther, each anther is usually bilobed, aap dekh sakte ho each anther is usually bilobed, and each lobe has two chambers, each lobe has two chambers, bracket mein comma ke likha hai, chambers ko kya bolte hai, pollen sac. The pollen grains are produced in pollen sac. A sterile stamen, sterile means infertile. A sterile stamen is called staminode, is called staminode. बहुत बार नीड में आया हुआ है ये staminode. Clear है words? समझा इतना? एकदम सिंपल, ओके। बाकी लोग सो रहे हैं क्या? सिर्फ दो मैसेज आया मुझे, मानस आप न्यू आए थे राइट, आपको समझ में आ रहा है, मानस माइनस, एक मिनट मैं आता हूं, ओके ओके, चलो इतना समझ में आया। माइनस आप हो या नहीं हो, बिकॉज आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट यस और नो, ओके प्लीज मैसेज करो यार, मैंने आपको पहले क्लास में समझाया तो था, ठीक है चलो बाकी आपकी मर्जी, मैं ज्यादा दिन तो नहीं बोलता हूँ, बहुत बार नहीं बोलता हूँ मैं अभी स्टार्टिंग, क्योंकि देखो मुझे पता चल गया इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इतना तो समझ में आ गया कि
कौन रिस्पॉन्ड करते हैं कौन नहीं करते सब समझ में आ जाता है टीचर को। थोड़े दिन आपको मैं दिखूंगा बोलते हुए, उसके बाद मैं नहीं दिखूंगा, वैसे फिर आदत पड़ जाती है। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? ओके, बाकी आपकी चॉइस। चलो, इतना समझ में आ गया कि द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, क्या लिखा है अभी आपने, अगर मैं कॉलेज एग्जाम दे रहा हूँ मुझे डिटेल स्टडी करने की जरूरत है क्या? नहीं, डिटेल स्टडी मतलब जितना बुक में उतना तो आना ही चाहिए। अगर आप कंसेप्ट समझ लेते हो, जैसे अगर आप मेरी लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ठीक है, और जो भी बायोलॉजी आपको पढ़ा रहे जितने भी टीचर, तो उनके लेक्चर्स अटेंड करो, बैठो, समझो, उनको ऐसे ऐसे ही मत जाने देना। ऐसे ही जाने दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर ये भी मत लेना कि कॉलेज एग्जाम ही तो दे रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाना ना, मतलब कोई बोलेगा कि इस वर्ड पे स्ट्रेस देना, जैसे मैं बोलता हूँ, आपको उतना स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं, ठीक है? आपको याद रखना है ऐसा ऐसा होता है, तो आप खुद भी लिख सकते हो, बस उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है? तो एकदम बट एकदम से वैसे भी मत करना कि नहीं है कुछ लेना देना नहीं, तो फिर लग फिर बैंड भी बच सकती है आपकी, ठीक है? खाली पढ़ना है ऊपर से, हाँ ऐसा ऐसा है, इतना पढ़ो कि खुद से लिख सको। चलो आगे बढ़ते। ओके, द स्टेमेंस ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद द अदर मेंबर्स सच एज, अभी यहाँ देखना, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आपकी, इसके पहले आपने जब पढ़ा था तो मैंने क्या बताया था कि सारे सेपल्स आपस में फ्यूज हो रहे थे, सारे सेपल्स जब आपस में फ्यूज हो रहे थे, दैट इज नोन एज गैमोसेफेलस, फ्री थे, दैट इज नोन एज पॉलीसेफेलस, ठीक है? बट अभी यहाँ पर क्या होने वाला है, एंड्रोशियम जो है ना, एंड्रोशियम वो किसी और मेंबर के साथ फ्यूज होने वाला है, मतलब अभी ध्यान दो क्या लिखा है, वो किसी और के साथ भी फ्यूज हो सकता है और आपस में खुद भी फ्यूज हो सकते हैं। अब फ्यूज होने के भी कितने तरीके हैं, देखो यहाँ पर ध्यान देना, पूरा अच्छे से ध्यान देना प्लीज। ओके, देखो अगर ये आपका स्टेमन था, राइट, अब इसके फ्यूज होने के कितने तरीके हैं, समझो एक और स्टेमन है वो खाली फिलामेंट से फ्यूज हो सकता है, ठीक है? उसमें क्या होने वाले, बहुत सारे स्टेमन है, पर वो स्टेमन आपस में किससे फ्यूज हो रहे, सिर्फ स्टेमन सिर्फ फिलामेंट्स की मदद से फ्यूज हो रहे, मतलब फिलामेंट से तो वो फ्यूज है, फिलामेंट्स उनके सारे फ्यूज है, पर ऊपर वाला जो पोर्शन है वो सब में फ्री है, ऐसा हो सकता है। दूसरा केस ऐसा हो सकता है, दूसरा सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर एंथर सारे फ्यूज है बट फिलामेंट्स नीचे की तरफ फ्री है सबके सब, ये दूसरी कंडीशन हो सकती है, ये दूसरी कंडीशन हो सकती है, ठीक है? तीसरी कंडीशन ऐसी है कि एंथर जो है वो किसी और के साथ फ्यूज हो रहा है, किसी और के साथ मतलब या तो कैलिक्स के साथ फ्यूज हो रहा है, कैलिक्स के साथ फ्यूज हो रहा है, ठीक है, या फिर वो पेरियांथ के साथ फ्यूज होता है। पेरियांथ आपको याद है ना, पेरियांथ क्या था, जिसमें आप कैलिक्स और कोरोला को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, कैलिक्स और कोरोला को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो, दैट इज नोन एज पेरियांथ। तो अगर उसमें तो आप बोल ही नहीं सकते कि कैलिक्स कौन और कोरोला कौन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप चार कंडीशन है टोटल याद रखें, या तो सारे फिलामेंट्स ही फ्यूज होंगे सिर्फ और एंथर फ्री रहने वाले, या फिर एंथर सारे फ्यूज हो जाएंगे फिलामेंट फ्री रहेंगे, एंथर जो है वो कैलिक्स के साथ फ्यूज हो सकता है और एंथर जो है वो पेरियांथ के साथ फ्यूज हो सकता है, वो पेरियांथ के साथ फ्यूज हो सकता है। आप देखो क्या लिखा है, चलो देखते हैं। देखो, अ स्टेमेंस ऑफ अ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और अमंग देमसेल्स, यहाँ पे पेटल्स लिखा हुआ है तो पेटल्स के साथ यूज होगा, ठीक है, या फिर यूज हो सकता है। When stems are attached to the petals, ध्यान से बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। When stamens are attached to the petals, मतलब ये किसी और के साथ फ्यूज हो रहा है, they are epipetalous. This condition is known as epipetalous. Epipetalous का मतलब है जब stamen जो है, यानी जो एंड्रोशियम वाला पोर्शन है, वो किसके साथ फ्यूज हो रहा है, पेटल के साथ, पेटल के साथ यानी कोरोला के साथ, ठीक है? That is known as epipetalous, that is known as epipetalous. तो जब आप जब जब stamen जो है अगर वो petals के साथ fuse हुआ, condition is known as epipetalous, very easy to identify, petalous, right? Okay, next is जब perianth के साथ fuse होगा, that is known as epiphyllous, and that is observed in case of lily. Epipetalous condition is observed in case of Brinjal. ठीक है, इतना समझ में आया, इतना क्लियर है?
चलो ठीक है, ओके इतना समझ में आ गया, ये हो गए। और एक और चीज आप समझे, किसी को ये पता है एडहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, पता है क्या किसी को? एनीवन, व्हाट इज कोहेसिव फोर्सेस, व्हाट इज कोहेसिव एंड व्हाट इज एडहेसिव, व्हाट इज कोहेसिव? नहीं पता, ओके ऐसे रिप्लाई करना चाहिए, नहीं पता, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया, काम खत्म है ना। ओके देखो, कोहेसिव, कोहेसिव का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होना, सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होना, दैट इज नोन एज कोहेसिव। जैसे आप किस में पता है, किस में होता है कोहेसिव फोर्स, पता है शहद में, आपको पता है शहद में, शहद के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप सोचो शहद इतना गाढ़ा क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द उसकी जो विस्कोसिटी है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट विस्कस और विस्कोसिटी, यही रीजन है। उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, वो आपस में एक दूसरे पे बहुत अट्रैक्शन, बहुत आपस में अट्रैक्शन है उनके, यही तो रीजन है कि शहद इतना गाढ़ा है, शहद इतना गाढ़ा है क्योंकि उनके अंदर सेम टाइप है, शहद और शहद के बीच में बहुत ज्यादा, शहद के मॉलिक्यूल्स के अंदर आपस में एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो जब सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, या सेम मॉलिक्यूल के बीच में हम जो अट्रैक्शन होते हैं उसको हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। वैसे ही अगर आप वाटर में ऑब्जर्व करो, बहुत कम होता है, आप फर्श पे कभी भी पानी गिरा के देखना, पानी दूर दूर भागने जाएगा, देखो बीच में आपको ऐसा ऐसा कट होते हुए दिखेंगे पानी के, आप जैसे पानी डालोगे ब्रेक होते हुए दिखेगा, क्यों, नजदीक नजदीक क्यों नहीं है पानी? वही अगर आप शहद गिरा के देखो, क्या दूर दूर होगा वो? नहीं होगा। तो पानी के अंदर कोहेसिव फोर्स कम होता है जबकि शहद के अंदर कोहेसिव फोर्स ज्यादा। अब एडहेसिव क्या होता है? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंट मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल, आप जब कब आप जो घर पे फेविकॉल, अब बचपन से आप फेविकॉल यूज कर रहे हैं, आप गम यूज कर रहे हैं, तो क्या है एडहेसिव? आपने अगर पढ़ा होगा तो उस पर लिखा भी रहता है एडहेसिव। एडहेसिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप क्या करते हो उसकी मदद से, किसी और को चिपकाते हो, तो वहां पर अट्रैक्शन किसी दो चीज के बीच में, दो डिफरेंट चीज के बीच में। तो जब कभी भी अट्रैक्शन कोई दो चीज के बीच में होता है, दैट इज नोन एज एडहेसिव, दैट इज नोन एज एडहेसिव। सेम के बीच में होता है, दैट इज नोन एज कोहेजन, दैट इज नोन एज कोहेजन। आप देख सकते हो, मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ स्पेशली फॉर नीट स्टूडेंट्स। ये जो आप अभी आपने एपिपेटलस और एपिफाइलस कंडीशन देखी है, दे आर टाइप ऑफ एडहेसिव। व्हाई? बिकॉज दे आर इन बिटवीन टू डिफरेंट मेंबर्स। क्लियर कट आपको समझ में आता है? इट इज बिटवीन स्टेमेन एंड पेटल्स, एंड वाइल द अदर कंडीशन इज बिटवीन स्टेमेन एंड पेरियंथ। सो इट इज नोन एज एडहेसिव, इट इज नोन एज एडहेसिव। वाइल जो आपने अब तक गैमोसेपैलस, गैमोपेटलस वो जो पढ़ा है, वहां पर भी फ्यूजन है, वहां पर भी फ्यूजन है, दे आर टाइप ऑफ कोहेजन। Why? Same के बीच में, that is why they are known as cohesion. समझ में आया मैंने क्या बोला? तो epipetalous and epiphyllous is a type of, is a type of adhesion. समझ में आया? ये extra कुछ बताया मैंने आपको, और हमेशा के लिए याद रखना है, जरूरी नहीं है यहाँ पर ही हो, हमेशा आपको कोई पूछे तो ध्यान रखना adhesion, और ये हर जगह वैलिड है, physics, chemistry, जहाँ पर भी कोई अगर आपको ये word use करे, adhesive, adhesion, adhesive force, cohesive force, समझ जाना। adhesive बोल रहे मतलब two different molecule के बीच, cohesive बोल रहे मतलब दो same molecule के बीच, समझा इतना? ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। उसके बाद देखो क्या लिखा है, the stamens in the flower may be either remains free, मैंने क्या बोला था, stamens may remain free, पूरे के पूरे stamens free है, किसी से भी fuse नहीं है वो, ना तो वो anther की मदद से fuse है, ना ही वो filament की मदद से fuse है, पूरे free है। free के लिए word क्या use करते थे, poly, आप तक देख चुके हो, polycephalus, polypetalus, अभी यहाँ पर क्या आएगा, polyandrous, that is known as polyandrous condition, or may be united in flower, or may be united in जो यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया, और ये एक्स्ट्रा जब नीट में एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। अब उन्होंने क्या लिखा है, the stamens may be united, stamens may be united into one branch,
और वन बंडल, मतलब ऐसा हो सकता है किसी फ्लावर के अंदर कि बहुत सारे स्टेमेंस, समझो टोटल 50 स्टेमेंस है, ठीक है 50 स्टेमेन है। अब उसने क्या किया फ्लावर ने, 50 स्टेमन में 10-10 के बंडल बना दिए उसने, 10-10 के बंडल। तो वो जो एक बंडल बना, एक बंडल, दैट इज नोन एज अडल्फी, दैट इज नोन एज अडल्फी। तो ध्यान रखो यहाँ पे फ्रूट जब होता है तो गैमो वर्ड यूज नहीं करते हैं। गैमो हम वर्ड किसके लिए यूज करेंगे, पेटल्स के लिए और सेपल्स के लिए। यहाँ पर हम गैमो वर्ड यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे जब फ्यूज होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है, आपको भेज रहा हूँ, अडल्फी, दैट इज नोन एज अडल्फी, दैट इज नोन एज अडल्फी। अब सोचो अगर वो फ्यूज होके सिर्फ एक बंडल बनाता है, सोचो किसी के अंदर 50 एंथर थे, 50 स्टेमन थे, सॉरी 50 स्टेमन, 50 के 50 फ्यूज होके सिर्फ एक बंडल बना, 50 के 50 फ्यूज होके सिर्फ एक बंडल बना, दैट इज नोन एज मोनो एडल्फस। 50 के 50 फ्यूज होके 25-25 दो बन गए, या ऐसा भी हो सकता है कि एक, जरूरी नहीं कि 25-25 हो, एक 30 का बन गया, एक 20 का बन गया, एक 10 का बन गया, एक 40 का बन गया, नो मैटर, कुछ मैटर नहीं करता, बंडल कितने बने वो मैटर करता है, कितने बंडल बने, दो, दैट इज नोन एज डायडल्फस, दैट इज नोन एज डायडल्फस। और अगर दो से ज्यादा हो गए, बहुत सारे, then it is known as polyadelphus, then it is known as polyadelphus, adelphus, adelphi का मतलब क्या होता है, मैंने समझा दिया आपको, adelphi का मतलब होता है when stamens are fused, when stamens are fused with each other, that is known as adelphi, that is known as adelphi. When after fusing, if they are forming one tube or one bundle, then condition is known as monoadelphus. If they are forming two, then it is known as diadelphus. And if they are forming more than two or many, then it is known as polyadelphus. I hope it is clear. Yes, sir. Okay. ये चाहिए होता मुझे, ठीक है, ओके। अब खाली एग्जाम्पल पढ़ने होंगे हमें, बस टर्म्स तो क्लियर हो गए। इसीलिए बोलो आप घर पे जाके प्लीज, चाहे आप नीट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, एक बार रीड कर लो, वरना भूल जाओगे, एक महीने बाद समझ में नहीं आएगा ये सब क्या था। एक बार रीड कर लोगे ना एक दो बार, तो आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा, फिर आप बाद में 3-4 महीने बाद भी उसको खोलोगे तो खुद से याद रहेगा कि हाँ ऐसा था। ऐसा नहीं है टीचर ने पढ़ाया घर पे गए खत्म सब, नहीं होता ऐसा, ऐसा मत करना, फंस जाओगे फिर नहीं याद रहेगा आपको, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा है, और मे बी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्री, द स्टेमेंस मे बी यूनाइटेड इन टू वन बंच और वन बंडल, ब्रैकेट मोनोएडल्फस एज इन चाइना रोज। आपको एग्जांपल याद रखना है मोनोएडल्फस का, चाइना रोज बहुत बार आया हुआ है, कितनी बार आया है मैं बता नहीं सकता। और टू बंडल्स डायएडल्फस एज इन पी, ये भी बहुत बार आया हुआ है। और इनटू मोर देन टू बंडल्स पॉलीएडल्फस एज इन सिट्रस, सिट्रस आपको पता ही होगा, सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, जो खट्टे होते हैं वो सब चीजें जो खट्टी होती है टेस्ट में, दे आर ऑल नोन एज सिट्रस फ्रूट्स, है ना, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, तो दे आर नोन एज सिट्रस। There may be variation in the length of the filament. ये भी है, देखो क्या होता है, एक ऐसा प्लांट है, एक यूनिक ही प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट का नाम है साल्विया, साल्विया, ये तो एकदम यूनिक है। क्यों यूनिक है मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर फिलामेंट जो है ना, वो दोनों फिलामेंट आप अलग लेंथ के, मतलब एक फिलामेंट साइज में बड़ा है जबकि दूसरा फिलामेंट साइज में छोटा है। ऐसा क्यों बनाया होगा सोचो नेचर ने, और नेचर की मतलब इंजीनियरिंग देखो नेचर की क्या सही बनाया, समझो कि ये वाला एक फिलामेंट है, ये वाला दूसरा फिलामेंट है, इसका अरेंजमेंट इस तरह से किया गया है, इस तरह से, इसको है ना लेवर मैकेनिज्म भी बोलते हैं, लेवर मैकेनिज्म। तो देखो यहाँ बराबर से ड्रॉ तो नहीं किया, ये देखो ये हो गया एक स्टेमन, ये हो गया दूसरा स्टेमन। अब इसकी इंजीनियरिंग देखो क्या सही बनाई है नेचर ने, क्या होता है ये जब ये दूसरा वाला, जो दूसरा वाला है यहाँ पे मैं बना नहीं रहा हूँ पूरा, चलो बना ही लिया। अभी क्या होता है जैसे ही बर्ड आता है, मैं यहाँ पे बर्ड ही लिख रहा हूँ, सिर्फ बना नहीं रहा हूँ, मेरे को नहीं आता ड्रॉ करने बर्ड। जैसे ही बर्ड यहाँ पर आएगा तो बर्ड जब इस वाले फिलामेंट को पुश करेगा, इसको पुश करेगा तो इसके पुश करने की वजह से ये जो ऊपर वाला है ना, ये इसके ऊपर ऐसे गिरेगा तो उसकी बॉडी के ऊपर क्या गिर जाएंगे, इसमें से पोलन ग्रेन्स, इसकी बॉडी पे गिर जाएंगे पोलन ग्रेन्स। मैकेनिज्म ऐसी बनाई हुई है कि जो शॉर्ट वाला फिलामेंट है उसको बर्ड जैसे ही आएगा उसको टच करेगा
जैसे उसके ऊपर प्रेशर लगेगा ना, तो ऊपर वाला जो फिलामेंट है वो उस बर्ड के बॉडी पे ऐसे ऐसे टकराने वाला है, या इंसेक्ट बर्ड जो भी है उसके ऊपर टकराएगा। जैसे उसके ऊपर टकराएगा उसके ऊपर क्या गिर जाएंगे, उसके ऊपर पोलन ग्रेन गिर जाएंगे, और वो जब बर्ड किसी और प्लांट या फ्लावर के पास जाएगा तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन यानी पॉलिनेशन हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज नोन एज लेवर मैकेनिज्म। इट इज स्पेशली फाउंड इन अ प्लांट नोन एज साल्विया, बहुत बार आया हुआ है। उन्होंने एक और एग्जांपल दिया, दैट इज मस्टर्ड एज वेल, मस्टर्ड एज वेल। तो आई होप आपको क्लियर है क्या लिखा। देयर मे बी अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर। एक ही फ्लावर के अंदर फिलामेंट जो है दो अलग अलग लेंथ के, एंड इट इज फाउंड इन साल्विया। प्लीज रिमेंबर, इन साल्विया देयर इज अ लेवर मैकेनिज्म जो मैंने अभी बताया। क्लियर? यस सर। Another lecture at 5:30. Okay, 5:30. मैं 5:15 तक खत्म करता हूँ। कौन सा लेक्चर है 5:30 को? Bio. Bio ही लेक्चर है फिर से? Yes sir. अरे बाप रे, और किसका है बायो लेक्चर? पूर्वा मिस का। वो क्या पढ़ा रहे? Cell division. Cell division तो interesting chapter, mitosis meiosis वही चल रहा है ना, mitosis meiosis prophase anaphase telophase prophase meiosis start हुआ क्या? Just start हुआ है chapter। meiosis start हुआ या chapter just start हुआ है? माइटोसिस हुआ। माइटोसिस हो गया है। ओके, तो माइटोसिस स्टार्ट होगा। ओके, चलो अच्छा। अभी नहीं, बाद में कभी पूछूंगा क्वेश्चंस। अभी पूछूंगा तो बोलेंगे कि इसमें से भी पूछ रहा और दूसरे भी चैप्टर के पूछ रहे। तो अभी नहीं पूछता हूँ, मेरी आदत है। मैं क्लास में बोलता हूँ कौन से टीचर ने क्या पढ़ाया, फिर उसमें से पूछना चालू कर देता हूँ। चलो ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया एंड्रोशियम के बारे में, कि एंड्रोशियम के एक मेंबर को हम स्टेमेन बोलते हैं। एंड्रोशियम फ्यूज हो सकता है सेम मेंबर्स के साथ भी, विद अदर मेंबर्स भी। जब अदर मेंबर्स के साथ फ्यूज होता है, मैं फास्ट जाने वाला हूँ, विद अदर मेंबर्स के साथ फ्यूज होता है, दैट इज नोन एज अडेशन। अडेशन दो टाइप के होते हैं, एपिपेटालस एक एपिफाइलस। एपिपेटालस इज प्रेजेंट इन ब्रिंजल, एपिफाइलस इज प्रेजेंट इन लिली। ठीक है, और कोहेशन की बात करें तो कोहेशन जब फिलामेंट्स आपस में फ्यूज होता है, दैट कंडीशन इज नोन एज अडल्फी। इफ दे आर फॉर्मिंग वन बंडल, दैट इज नोन एज मोनोअडल्फस। फॉर्मिंग टू, दैट इज नोन एज डायअडल्फस। फॉर्मिंग मोर देन टू, दैट इज नोन एज पॉलीअडल्फस। मोनोअडल्फस इज प्रेजेंट इन which condition? Monoadelphus is present in China rose, diadelphus is present in pea, while polyadelphus is present in citrus. And the last is that within a flower, the filaments might be differ in length, and specially it is present in both the plant, that is salvia and mustard. But exclusively आपको याद रखना है कि salvia shows liver mechanism. Salvia shows lever mechanism which helps in pollination. Lever mechanism which helps in pollination. Please आप लिख लेना जो लोग need देने वाले हैं। Clear? तो ये तो fast पढ़ा है, समझा के? Yes sir. Yes sir. ठीक है? Okay. चलो ठीक है, आपका अगला लेक्चर है, आप नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, बट एक और चीज, एक चीज सुनो कि अगले क्लास में मैं डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, और शायद हो सके तो ये लेक्चर शायद बड़ा भी हो सकता है, तो ज्यादा रख सकता हूँ मैं, 2 आवर्स का भी लेक्चर रख सकता हूँ। तो पहले मैं आप लोग से ही पूछता हूँ, आप लोग कंफर्टेबल रहोगे 2 आवर्स? बायोलॉजी कंफर्टेबल? कोई बात नहीं सर, हो जाएगा। Yes, हो जाएगा sir. क्योंकि उसमें से मैं कुछ 15-20 मिनट्स आपको सिर्फ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, और उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है हम कंटिन्यू करेंगे आगे, तो उससे क्या हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो फ्लावर क्या हो गया? हेलो, कुछ बोल रहे थे?
ओके ओके ठीक है, तो मैं वही बोल रहा था, तो प्लीज अगर आप पहले ही बता दो आप प्रिपेयर्ड हो क्या होगे तो मैं क्वेश्चंस पूछने वाला, अदरवाइज वेस्ट है। प्रिपेयर हो जाओगे? यस सर। ठीक है, तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, अभी टाइम है हमारा, हमारा अगला क्लास, हमारा लेक्चर, अगला लेक्चर तो केमिस्ट्री होने वाला है और केमिस्ट्री के बाद बायो होगा, तो जब कभी भी बायो होगा उसके आपको पता चलने वाला है। प्लीज यहाँ तक जितना मैंने अब तक पढ़ाया सब पढ़ना है आपको, ठीक है? अगर आपको एग्जाम्पल नहीं भी याद हो इट्स ओके, एग्जाम्पल का आंसर नहीं भी आएगा ना तो मुझे चलेगा, बट जो मैंने टर्मिनोलॉजीज बताई आपको जैसे अडल्फी हो गया, एडहेशन, कोहेशन, ये एटलीस्ट क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम्पल भी अगर आप लर्न कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं हुआ तो भी इतना कुछ नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स या कन्फ्यूजन भी हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना थ्रू आउट है, पूरा पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ोगे? पूरा एंड्रोशियम तक, क्लियर? Yes. ठीक है, तो मैं आपको स्टार्टिंग के 20 मिनट्स क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। चलो बाय बाय सर। बाय सर। बाय सर।